इनको शर्म होना चाहिए। इनका मुखिया आदरणीय खेल साथी जी है, जो बहुत सीधे साधे और सज्जन व्यक्ति है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कभी गलत बातों को नहीं करते। ऐसे व्यक्ति इनके विधायक है, उनके कार्यकर्ता कैसे कर रहे हैं आप सब लोग देख लीजिए। इनको सबक सिखाना कैसे सिखाना है, सबक सिखाना कैसे सिखाना है। भारतीय जनता पार्टी कमर से बटन दबाना नहीं दबाना है, बुलंद भैया को जिताना नहीं जिताना है। अभी अभी इनके पिछले बार के मुख्यमंत्री बनने वाले आदरणीय टीएस बाबा भी आए थे। टीएस बाबा अभी यहाँ बोल के चले गए कि जितने लोग आप लोग आए हैं भैया, सब कोनों से निवेदन है कि ऐसा बटन ला दो भैया की कांग्रेस कर लिया हो जाए। अजय बोल के गए ग्राउंड में कि ऐसा बटन ला दो भैया की कांग्रेस पार्टी करिया हो जाए। ये टीएस बाबा बोल के गए हैं, ऐसा बटन दबाना है ना कांग्रेस पार्टी के दो आदमी के हटा दा विधायक जी हमारे मंथन मंथन से सहयोग करा, लेकिन कांग्रेस के लोग आदरणीय विधायक जी कहीं हमारे दो आदमी के नहीं हटा सकी। उमर मोर गोड़ हाथ लागे ओमने के सहारे मैं चलतो। एक चलते बिक्की बाबा मंच में खड़ा होकर बोल रही कि जाओ भाइयों, जिसको वोट देना हो उसको वोट दे दो,
लेकिन पंजाब छाप को मत देना। ये लोग पूरे लोग भारतीय जनता आएगी सर, ये देखा एक बंदा सेल्फी चाट बनाएगी, फुलन सिंह बना भी सेल्फी चाट बनाएगी और थका छाप वाला खड़े बोले फुलन भैया जिंदाबाद, फुलन भैया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एवं ये तो बताना चाहिए कि हमारे मन अर्जुनपुर माधोपुर परमेश्वरपुर पाठकपुर तारकेश्वरपुर के रोड ला बनाए ए मतलब बताना चाहिए कि श्रीनगर ले लेकर के प्रेम नगर तक के रोड ला बनवाए ए मतलब बताना चाहिए कि प्यूरी के रोड ले झामर ला भी उखाड़ के खाए बनाए नहीं चाहिए। तो ये बात नहीं बताऊं कि प्यूरी के झामर के रोड ला उखाड़ के खाए, ये बात ला बोलना चाहिए नहीं चाहिए। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और कांग्रेस पार्टी डेक्ची भड़वा बांट के गए बुढ़ा काल के समय में 108 गाड़ी में एम्बुलेंस में मैं पकड़ा तो पाई नहीं पा रहा था, 108 गाड़ी में डेक्ची भड़वा और सारी लाद के जोन में आदमी एक्सीडेंट हो जाते गिर जाते वाला नरेंद्र मोदी भेजी से वो करे मन उपयोग कर रहा था डेक्ची भड़वा सारी साया लाद के और गांव गांव में बांटा था और हर का चीज के पैसा गया जानता 10 रुपया किलो में जो गोबर लही ना तुमन थे वो गोबर का पैसा क्या है, एक तुमन का पैसा क्या है ये मतलब बताना चाहिए। एक गरीब आदमी गोबर के पैसा जब तक सोसाइटी में परमिट नहीं कटवाई तब तक गोबर के होके अन्य चीज का परमिट नहीं मिली। और सुन ला ये मतलब भी बताना चाहिए अदरणी राजवाड़े जी अभी बंद बताना चाहिए कि हमारे कांग्रेस पार्टी वाला भी गोबर के परमिट कटवाई है, कांग्रेस वाला के कोई परमिट नहीं है, बिना गोबर के परमिट नहीं या सोसाइटी ले लगा के घरे पहुंच से गरीब आदमी के परमिट कटी से हेमंत कहते कि हमारे मन धान खरीद हो बढ़िया से धान ना खरीदे। अरे भैया तुमन धान ला का खरीद गया चरस अफीम से महंगा रही ये पुलिस वाला अंधेर पकड़त रही और बोरा में कूड़े खरीदवाया कि बोरा के हम पैसा देबो, बोरा के पैसा देबो और बोरा के पैसा में धान ला खरीदबो। मैं पूछना चाहता हूँ कितना बोरा के पैसा दे जी, बोरा के पैसा खरीदे बार 1000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थे, 21000 करोड़ रुपया चावल और धान खरीदे बार देश के प्रधानमंत्री ने थे, 300 करोड़ रुपया में सोसाइटी ले धान ला उठवा के ले गए मिल में ले जाए के पैसा देश के प्रधानमंत्री ने थे, 136 करोड़ रुपया मिल ले चावल ला उठवा के लान गए और सोसाइटी में भेज के प्रति आदमी के 5 किलो अंत्योदय योजना में 35 किलो तहे का पैसा देश के प्रधानमंत्री ने थे। और ये झूठा गंगा जल के क्रिया खाए वाला आदमी गाय के पुठी लथर के क्रिया खाए वाला आदमी ये कांग्रेस के लोग कहते की हमारे सरकार के होते ए मन के सरकार गोबर के पैसा खाई। मैं तो सुने रहे एक एक पहले से ही पावत रहे कि लालू यादव चारा घोटाला कर दही लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो गोबर ला खाई ये गोबर के घोटाला 2000 करोड़ के, रेत के घोटाला 2000 करोड़ के, शराब के घोटाला बताई सर मोदी वहाँ कि 30 रुपया में शराब के भट्टी में शराब ला पैक करके और 150-200 रुपया में बेच के वह ला खाएगी, आधा जे जेल में है अब आधा जे बेल नहीं होते अब आधा जे भी जाए वाला गोबर का खाए वाला लोग मंडी के टैक्स में भी 1000 रुपया 1000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री ने था लेकिन कमीशन के चक्कर में कैसे हो पता हो तुरंत गए वहाँ पर भी मंडी में वसूली हो पैसा के एमन के चला चली के बेरा है जाए के बेरा हो किसे भरवा पटन के ची भरवा बाट तारीन है अब छटपट छटपट हटपट हटपट कर रहा था। एक बात पक्का है कांग्रेस पार्टी धोखा है धक्का मारो मौका है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्रामपुर में बैठ के बोल गए हैं, भाजपा वाले सुनत है कांग्रेस वाले भी सुन ला तुरानों के घरे तुमन के घर वाली ला 1000 रुपया हर महीना मिली पता नहीं तुमन कांग्रेस में कमाए के दे रहा कि नहीं दे रहा 1000 रुपया 4 महिला है तो 48000 रुपया ये मोदी के गारंटी है मोदी के गारंटी और ये मन के जो गारंटी है झूठा वाला उनमें राहुल बाबा का वारंटी अमन के सरकार गारंटी वाला है ये मन के सरकार वारंटी वाला है। गलती से 28 साल में अजीत चौकी आ रही तो 15 साल तक चल गए रही ये दार वारंटी वाला सरकार 5 साल पर आएगी से तो 15 साल बड़े फिर जाए वाला है इनका सरकार आए वाला नहीं है। तहसील कोर्ट में नमांतर में बंटवारा में खान को भेजो तहसील कोर्ट नमांतर बंटवारा एटीएम कोर्ट सारे जगह कोर्ट में कचहरी में दंगा में फसाद में फसल में लकड़ी में
उसे ले कोयला ले गया था ओपन लाभी वसूली में, ये पूरा कांग्रेस के हाथ हरे एमएनए का चलते सारे तहसील में काम नहीं होते। रामपुर में पटवारी घुस रही 60-70 हजार रुपया लेही। भाई तहसीलदार एडीएम साहब से बात करें, मौके ला बुलाई और बोली कि कल आप लोग भेजो, अभी पटवारी सस्पेंड है, चुनाव होए के बाद ये जब विधायक बनी, ये जब विधायक बनी तो पटवारी भी एमएनए के संगे चली रही। ओकरा नंबर लगी श्रीनगर ने लेकर के प्रेम नगर या कलुआ तक के रोड, जो रोड में बनल रोड है 10 हजार करोड़ में डामर के परत लगाए के 7 हजार करोड़ घोटाला हो, ओकरो जांच कर रहा हूं। ये मन का नहीं दिखाए कि श्रीनगर ले लेकर तारा तक के रोड कैसे जाही। भाजपा के सरकार में रोड सिंचन हो, आज तक रोड नहीं बन पाई से। ये मन का बतावा ना जी, क्यों नहीं बताते आप लोग कि हम अर्जुनपुर में रोड बनवाए, हम तारा में रोड बनवाए, हम द्वारकापुर में रोड बनवाए, इतना सीसी रोड बनवाए, इतना पुलिया बनवाए, इतना हम विकास करें। खबर नहीं बतावा जी, अब बतावा ना क्यों घर बनवाए, बोला बतावा अपन ने नहीं बताई। अरे कहो बनवाले नहीं है भैया, तो कहा बताइया, ये तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सरकार में रोड बने हैं, पुलिया बने हैं, सड़क बने हैं। हेमंत के सरकार बोले रही कि हमार सरकार बनी तो बुढ़वा मल्ला 1,000 75 साल के ऊपर वाला मल्ला 1,500, ये पूरा पैसा दे के हेमंत का पैसा देवो, बताओ ना कितना छेला पैसा दे हाजी। एमन का सरकार बने में, एमन कहने में राशन कार्ड अलग बनवाबो, मैं पूछो तो कब से राशन कार्ड बनवाए हाजी, गिनती तो बतावा। एक भी राशन कार्ड नहीं बनी, 3-4-5 हजार रुपया दे के कलेक्टर ऑफिस वालों को राशन कार्ड बनवाए के आई और जाके भी सीओ यहाँ लाइन लगाई 3,000-4,000-5,000 दही और मैं दस्तखत करवाई ने, कुछ हो से कुछ नहीं हो से सब लोगन के पता चली कि राशन कार्ड में जांच करवाए दे तो हमन के वोट गड़बड़ हो जाही, तो मैं कहीं केदार भर सब के चावल दे दा सरकार बनी तो काटबो। अरे सरकार तो बनबे नहीं करी, गाना खा तू, डरे का जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वोट देना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये मन सोच है कि प्रधानमंत्री के घोषणा ला, प्रधानमंत्री के बात ला, 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि 12,000 मिली, अब किसान सम्मान निधि 12,000, ये सारे बात के एमन बताए ना पा रहा है। गांव के आदमी हमार बोलना ना जाना है और भाजपा में होए वाला ना जाना है। एमन कहत रही बार बार कि राम मंदिर बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अरे सुन लो भाइयों, राम मंदिर 22 तारीख जनवरी के उद्घाटन होने वाला है, देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करी और राम मंदिर के देखे खातिर ट्रेन में नहीं प्लेन में भी लोग जाही, ये भूलन भैया लेके जाही प्लेन में जाही। अरे कहां की रमन सिंह के योजना, जो पिछड़ो बूढ़े लोग तीर्थ यात्रा करत रही वो कहां की, तेंदू पत्ता टोरे वाले के चरण पादुका मिलत रही बोला कहां करा तुमने, कन्या विवाह होत रही बोला कहां करा तू रे। ये मन कहते कि हमन के मुख्यमंत्री स्मार्ट कार्ड बनाई से 5 लाख तक के बीमा करते। अरे मैं पूछा तो कि तू जगह तो खड़ा करके बता दे कि अगर इलाज हो से, कार्ड तो बनाई से लेकिन एक आदमी के इलाज नहीं हो से। देश के प्रधानमंत्री वो दिन बोली से कि मोदी के गारंटी है 10 लाख रुपया के अब मुफ्त में इलाज हो ही, 108 लाख फोन करिए अस्पताल ले ले जाही, 102 गाड़ी और तो बाबू मोदी जी बोल रही नहीं कि 5 साल तक लगातार सबके पैसा मिल जाही। एक बात क्या नोट करा सब कोई, पूरे मोबाइल चालू कर ला, आप लोग भी कर लीजिए, आए वाला 25 दिसंबर के, आए वाला 25 दिसंबर के भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन में, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन में एमन के घोषणा पत्र में 2 साल के बोनस दे एमन नहीं सकिंदे है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी बोल के गई से 25 तारीख 40,000 करोड़ रुपया खट ले तोर खाता में आई, मोबाइल चालू रखिया। कांग्रेसी वर्ग के भी है, हमारे हमारे नहीं है। और ए दर क्या हुई से कि सोसाइटी में 11,000 करोड़ के लोन मंदिर से हाथ लाते, ए दर कांग्रेस वाला मान एक छह में आई से वो 8 लाख नहीं से, कितना 8 लाख नहीं से। लेकिन भूपेश बघेल कभो कभो कथे वीडियो में आते कि मैं कर्जा माफ नहीं कर पा रहा हूँ, कवासी लकमा कथे कि मैं कर्जा माफ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे कर्जा माफ कहाँ से करोगे भाई, कांग्रेस पार्टी तो 52,000 करोड़ का डिफाइटर है, 6 साल में कर्जा नहीं से 52,000 करोड़ रुपया आज तक बता नहीं पाई से, कांग्रेस पार्टी डिफाइटर होगी से लेकिन कर्जो नहीं मिले। अभी मोबाइल में तुम्हें सुने रहा कि कर्जा मिली, कर्जा भी नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले कर्जा। आप सब लोगों ने आए वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देना है, एक खान साहब है सिरपुर के,
ओकरो समस्या ओकरो रे तुरंत सुन ला और मैं फेर आ पहुंचे ए अवरनी होय से फेर दबारु फेर रगड़ु तब मन उलझ जाए। हेलो हेलो सबको मेरा प्रणाम। हम ये ना देखें कि हिंदू मुसलमान कौन है, हम ये ना देखें कि हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि परेशान कौन है। और जात पात में हमको मत बांटो, जात पात में हमको मत बांटो, ये तो देखो इंसान कौन है। इंसान देखने की बात करो, गरीब को देखने की बात करो, गरीब क्या है, गरीब को नीचे कुचला जा रहा है, अमीर को ऊपर उठाया जा रहा है, सेठ साहूकारों को आगे कर दिया जा रहा है, अब गरीबों को नीचे किया जा रहा है, यही इनकी सरकार है, यही इनकी अत्याचार है। मेरे मित्रों, मेरा तो यही कहना है कि पानी मांगो तो ये खून देते हैं, पानी मांगो तो ये खून देते हैं, और मोहब्बत मांगो तो ये जुनून देते हैं। मेरा यही कहना है, मैं गया था पानी एक नल के लिए, मेरे वार्ड क्रमांक एक में नल नहीं था, मैं बोला कि भाई एक नल दिया जाए, पानी पीने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है। दूसरे क्या जाता है और परिहार नाम का एक पैसा है, उसके पानी पीते थे, आवाज भी पीते उन्हीं के घर से पानी, मैं नल मांगा तो बोले सरकारी जमीन है का गाँव से, सरकारी जमीन है का गाँव से, बोले कहना भैया पानी पिए बस सरकारी नहीं चाहिए, पानी पिए बस नल कुआं ट्यूबवेल चाहिए ताकि अगर विकास हो सके। आज से नहीं इरीगेशन बना है मेरे मित्रों, इरीगेशन बांध आज का नहीं बना है। जब रेलवे विभाग आया इनकी आंख में दिखा कि कम से कम अदानी को बोले जितने इरीगेशन बांध फंसे हुए हैं उनका बीच उठाया जाए और अदानी में ले जाए ट्रेन विभाग ले जाए ताकि उसका विकास हो सके। पानी रहेगा किसान आगे बढ़ेगा, पानी रहेगा किसान आगे बढ़ेगा। मेरा तो यही कहना है कि फूलन सिंह मराबी को देखना होगा, इस बार अच्छे से देखिएगा। मेरा एक फूलन सिंह मराबी इस बार फूलन सिंह मराबी को जिताना है, क्योंकि नया युवा है, विकास करेंगे, जब तक बदलाव नहीं आएगा विकास नहीं हो सकता। बदलाव लाना है अगर विकास कराना है। एवन के अभी गांव गांव में बने से युवा मितान, युवा मितान की टीम है, और युवा मितान के टीम में मैं व्हाट्सएप पे अभी मैं पढ़त रहे व्हाट्सएप में एक बोले मैं पढ़े फोटो वाइज सुन ला तो मैं युवा मितान में 45 जने हैं, और युवा मितान में पैसा आई वो मैं गुल्ली डंडा खिलाई, और गुल्ली डंडा खिलाई के पूरा बिल लगा नहीं, और युवा मितान का अध्यक्ष सचिव पूरा 1,00,000 खाएगी, बाकी जने ठन ठन पकड़े रही पूरा पैसा युवा मितान के लोग खागी। ऐसे लोग आए कांग्रेस के लोग, ये पूरा पैसा खाए वाला ही आज तक काम करीन है, विकास के कोई काम नहीं करीन है। आप सब लोगों के अनेक प्रकार के योजना है, भारतीय जनता पार्टी के योजना है, मध्यान्ह भोजन में अभी अभी स्कूल के सामने ऐसा गोला लगी से, गोला लगे के बाद टेबिल लगे रही 85,000 रुपया के है, डायरेक्ट अगर पैसा निकाल के खागी है, कुर्सी टेबिल में एक बार कोई बैठ जाए वो कुर्सी टेबिल पूरा टूट जाए। इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम में काम सेंसर रही, वो काम के सेंसर के भूमि के पूजन और पत्थर के पूजन इस क्षेत्र के विधायक खेल साहब जी करी, जो देश के प्रधानमंत्री के पैसा है, नरेंद्र मोदी के पैसा है, 1600 हैंडपंप खुदे रही, 1600 हैंडपंप सेंसर है, 1000 हैंडपंप के ये कांग्रेस के लोग अपन कार्यकर्ता के आगू और पक्षी में खुदवाई नहीं, ये कोई पब्लिक के नहीं खोदे, घरे नहीं खोदाई थी, ये ट्यूबवेल के पूरा कमीशन खोर में घूस रिश्वत के हिसाब से पूरा खुदाई की थे, कोई पब्लिक के नहीं खुदाई थे। चिंता करे का कोई जरूरत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सबके लिए कोई भी महिला गाँव के अपन घर के सामने पानी ले नहीं गई, ओके महिला के पानी टोटी लगा के 27 लाख मैट्रिक टन पानी ओकर गांव में रही, ओकर घर में, ओकर आंगन में, ओकर दूरा में पानी कही, देश के प्रधानमंत्री की योजना है, ये उल्लंघन है कि हमर योजना स्ट्रीट लाइट लगत है, कई जगह स्ट्रीट लाइट लगत है, कोई स्ट्रीट लाइट में, कोई स्ट्रीट लाइट में पूरा खेल साइड लेकर लगाई रही ना, पिछले बार ऐसे मुसलमान भाई रही ऐसे करत रही नारा लगा तो मालूम है, वो मुसलमान भाई श्रीनगर के रहे वाला है, वो चाहे के ओके एक्सीडेंट हुई के बाद 3 महीना अस्पताल में रही, ओकर बाद तन मन धन से इलाज कराए, एक कांग्रेस के लोग 1 रुपया के सहयोग नहीं करी, एक दिन देखे बर नहीं गई है, अगर कोई सही सही तो माइक में बुला के पूछ ला, एक आदमी ओकर देखे नहीं गई, एठे ओर से नारा लगात रही, बिहाने सुभाष चौक में भेंट हुई, मैं ओकर जे पूछे कि तो मुसलमान से कले कांग्रेस में हंस का, मैं कहा करिया महाराज मैं बहन के अपन घरवाली के पूछे ओकर के बोल रही, कई महाराज बोल घरवाली बोल से कि नरेंद्र मोदी 1,000 रुपया नहीं न 4-5 लाख देखे थे, तो मैं वही के बोल रहा हूँ कांग्रेस वाला मुझे कहा नहीं था, और खुद मोटे बात क्या बताई, तो फिर उदार मेरा सुनिश्चित
कितना पैसा मिली के बाजा के रोके के ये आवाज के रोके गए उतारे फजार होत रही हाथ जोड़ते ही थाना में हमरे मन गए वो अभी कानून में आ गए हमारा टाइम है बजाई खाती बजाना 17 तारीख आखिरी डेट है 17 तारीख के बाद ना बाजा बजी सभी सुबह के बाजा तो हमरे पीछे बजा दीपावली फटाका नहीं फोड़ेगी आप लोग भी नहीं फोड़ेंगे 17 तारीख के भारतीय जनता पार्टी के दीपावली होगी और पीछे हमरे बजा और सुमन करे कति उग्रहा पटेल हो करे ऐसे आदमी को हटाना है ये गुंडों को बाहर करना है जनता पार्टी की जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद अंग्रेज से धोखा है धोखा मारो अंग्रेज से धोखा है अब हमारे भी सुनने की तरह भी है आशीर्वाद आ सकते हैं नगर बाजार के साप्ताहिक बाजार में आप किसान भगवान हमारे माता भगवान हमारे सभी युवा साथीमान यहाँ से आए हमारे सभी बजरिया व्यापारी मान और सभी यहाँ के लगे कर्मचारी मान मैं आप सबसे आग्रह करे निवेदन करवा हो यहाँ सब लोग आए वाला 17 तारीख के कमल फूल छाप के दूसरे नंबर का बटन दबा कर ले और भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल छाप में दिखाना है और भैया मैं एक फिगर बता दे तो पुलिस प्रशासन के मैं यही साहब से आग्रह कर रहा हूँ यही साहब अगले बाजार में भी आप दबा जाए तो फिर से हमारे कांग्रेस का सरकार बनी तो आग्रह कर रहे हो एक साइड का गुंडागर्दी नहीं चलेगा देखिए साथियों कांग्रेस कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ये लोग छटपटा रहे हैं हम लोग को भाषण सुनने नहीं दे रहा है आए वाला 17 तारीख को हमारे क्षेत्र के जनता हमारे क्षेत्र के मतदाता आपको जवाब देने वाला है आप धीरज रखिए आपको 17 तारीख को जवाब देंगे और आने वाला 3 तारीख को 6 तारीख जल्द मिलेगा आपका गुंडागर्दी नहीं चलने वाला है इन लोगों की छटपटी हो गया भाजपा का बात को ना सुने दो जनता बोलेगा हमारा जनता हमारे साथ आपने करके दिखाया सब पहुंचे विधायक थे जनता से कर करते थे क्षेत्र में आपने क्या किया जाके देखिए गाँव गली में कहीं आप रोड नहीं बना पाए न पुलिया नहीं बना पाए विकास का आपके नाम तक नहीं दिखा इसलिए आप जनता परिवर्तन के धार में है एक बार नारा बोलेगा हम बदल कर रहे हो इसलिए मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ जितना भी आप बाजार में आया हो मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ आए वाला दिन में इनका गुजरात जी का जवाब देना आप सभी लोग अपने अपने जितना भी है अपन जितना भी जिला आया सब पर मेरा आग्रह है इस साइड का घूमना गति को 17 तारीख के कमल फूल छाप में बटन दबा कर दो और इनके कांग्रेस जो प्रत्याशी है जो इनके कार्यकर्ता है उनको ठोस जवाब दीजिए मैं इसीलिए आप सबसे आग्रह निवेदन कर रहा हूँ आशीर्वाद माना तो कि आप सबका आशीर्वाद मिले तो इनका झंडा गिनती को हम समाप्त करें हम समाप्त करें मैं ज्यादा अच्छा बोलते हुए पाकिस्तान का नाम करता हूँ चाहे इंडिया भारत देश का अरे वहाँ का पढ़ाता है ये भारत के पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से मुखिया दुबे सगर
खाता में पैसा ले रखी आवास का बनवाए ले रखी हमरे मन फरो फरवार से पता चली 16 लाख से 18 लाख आवास से लोग वंचित है आवास नहीं मिली से। सुन लो भाइयों मैंने बताऊं युवा साथियों पहला कैबिनेट के बैठक हुई बिलासपुर में मोदी जी बोल के गई है फुलन सिंह मराबी जी वहाँ बैठे रही पहला कैबिनेट के बैठक में खतरे आवास के पैसा तुमन के खाता में 18 लाख आवास के पैसा खाता में आई अजय डीएस बाबा के माइलर खड़े डीएस बाबा के माइलर खड़े ने तीन की बाबा तो बहुत हेलीकॉप्टर उड़ा रही बहुत हेलीकॉप्टर उड़ा रही ए दाम तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ावा था तो दो दो तीन तीन पांच पांच सौ आदमी जुट के हेलीकॉप्टर इधर उड़वा कोई भीड़ नहीं है कोई भीड़ नहीं है हेमंत कथम की रेणुका सिंह ने चुनाव लड़ रही हेमंत का तीन सीट पक्का रही एक सीट अंबिकापुर पीएस बाबा दूसरा सीट भरतपुर सोनार और तीसरा सीट हेमंत की दौलत गए। सुन लो कांग्रेसी भाइयों ये तीनों सीट में रेणुका सिंह हाल गई से गुलाब कमरों के हालत में निकल रही से गुलाब कमरों पोक पोक करत है बहुत निपटे वाला है। सुन लो राजेश अग्रवाल का टिकट मिली से पीएस बाबा का भी हालत बेंड है बहुत पोक पोक करत है और तो और सुन के कांग्रेसियों 15,000 लोगों ने सीतापुर के लोग पत्र लिखी हे राजकुमार कहाँ हो सीतापुर को बचा लो उस सीतापुर में आई 10,000 के भीड़ों के साथ अमरजीत भगत भी पोक पोक कर और निपटे वाला है और मनंदगढ़ ने तैयार वहीं से मनंदगढ़ ने भैया लाला जोड़े बुलंद भैया संगे शकुंतला पोते और राम विचार निशान तक 30-40,000 वोट से मंत्री निपटाए वाला है पूरा चाल वाला है यमन के कोई गांव में नहीं जाते हैं जे गांव में जाते वही गांव में विरोध होते कोई के विरोध नहीं करना है सबको तैयारी करना 3 तारीख के एलोमन के गोबर के माला पहनाना है और गौमूत्र के छिड़काव करना भी नहीं करना है। बोलिए भारत माता की। हम सबके बीच अजय श्याम जी है 5 मिनट का टाइम है वो भी संबोधित करेंगे फिर हमारे बीच प्रदेश के मंत्री युवा मोर्चा का भी संबोधित करेंगे। मैं तो एक बात भी गाँव गाँव में बुलंद भैया के सामने यमन के उल्टा हूँ पलटा हूँ चिंता मत करा बल बल भारत माता की भारत माता की। आज प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के ये रामानुज नगर बाजार में हमारी थी पत्रापाली से लेकर के परशुरामपुर तक चाहे हमारी थी देवनगर से लेकर के अर्जुनपुर परमेश्वरपुर तक हमारे बाजार में आवल मोर सगी साथी मोर माता बहिन मन और मोर नौजवान साथी मन और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और हमारे मंडल अध्यक्ष भाई जयप्रकाश जी और आप सब मन के चाहे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फुलन सिंह जी है। मित्रों आप सब देखते होंगे एक गुंडागर की पहले भी था जब प्रेमनगर में तारा कांड हुआ था आप सबको याद होगा प्रेमनगर वाले सिर्फ एक तहसील का मांग थी लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है तुलेश्वर सिंह जी मैं उसे नमन करता हूं लेकिन उन्होंने हमारे एक तहसील के बदले पूरे क्षेत्र को मरवाया इनका वक्त वही आ गया है। अब प्रेमनगर की जनता वो कि कई साल प्रेमनगर बाजार में कि बाबू थे फूलन सिंह ने जाके बताया हुआ श्रीनगर में कि हमारे 18,000 प्रेमनगर हमें वोट दिया था बात समय कहा बार आया आप मन के बीच में कांग्रेस के सरकार में लगातार हमार किसान वाला परेशान कर रहे आप सब मन याद करना है जे दिन पत्रापाली के सोसाइटी में हमार किसान भाई बहन बोरा लड्डू हट रहे और जे किसान नहीं जो है वो कब पैसा ले आता है इनों कर्जा मैं लगातार थोड़ी से करते बात करें जिला पंचायत सदस्य होने के नाते और हमरे मन वहां गए भी रहे एक दूसरे हमारे पत्रकार साथी मन भी कह रहे हैं आप पर नौकरे में विधायक चुन सका आप पर नौकरे में सरकार बना सका कि किसान बोरा डो है आप पर मैं कुछ ना चाहता हूं जनता ला मित्रों भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाइए 15 साल जैसे डॉक्टर रमन सिंह का सरकार था आपको एक भी बोरा कभी कमी नहीं होने दिए हमारे किसान जैसे ही सरकार कांग्रेस का बनता है अंबिकापुर से 50 रुपया के बोरा खरीद थे और आगे सोसाइटी में भेज थे देवनगर के हमारे किसान एक एक सप्ताह में सुनते रहते यही है क्या हमारे सरकार हो कैसे बनाए रहे कागा आप पर मैं विश्वास दिलाता हूं ये मंच के माध्यम से हमारे भूलन भाई के दिन विधायक बनी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कोई किसान ला बोरा नहीं डोए ध्यान ये मोर गारंटी है हमेशा गांव गरीब किसान के सोच मित्रों।